ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई की खोज में आप पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अपने मन को अच्छा रखिए, आपकी नीयत अच्छी रखिए, तो वो मालिक हमेशा आपके साथ है। क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तब भी लोग आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि लोग दिखावे को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ईश्वर सिर्फ़ आपकी नीयत देखते हैं। इसलिए आप उनकी नज़रों में सही होने चाहिए। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार आपको गलत समझते हैं। आप जितना ही अच्छा बनने की कोशिश करो, फिर भी आपको गलत ठहराया जाता है। और ऐसे लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ गंवा दिया है आपने, लेकिन फिर भी आप खुद को सही साबित नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना, ऐसे लोगों की क्यों परवाह करनी। ऐसे लोगों से कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उतना ही सोच सकते हैं जितनी उनके पास समझ है। आप खुद पर विश्वास रखिए, आप उस मालिक की नज़रों में सही होने चाहिए। तो दुनिया आपको क्या कहती है, इस बात की परवाह करना छोड़ दें। जो सुन सकता है वो कहना भी जानता है। हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो लोग आपके रिश्तों की अहमियत को नहीं समझ पाए, वो आपके शब्दों को क्या समझेंगे। कड़वा सच बोलने वाला इंसान लाख गुना अच्छा होता है झूठी तसल्ली देने वाले इंसान से। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दिल टूटने से ज़्यादा इंसान को दर्द उसका यकीन टूटने पर होता है। जीवन में सब कुछ दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन अगर विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर जीवन में कभी दोबारा नहीं जुड़ सकता। इसलिए कभी कभी हमें अपने आप से ही हार माननी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा वक्त होता है ना हम टूटते हैं ना बिखरते हैं, बस हार जाते हैं। कभी कभी किस्मत से, कभी कभी अपनों से लड़ते लड़ते, लेकिन वक्त सबका बदलता है। जीवन में एक मौका हर इंसान को दिया जाता है। जो लोग आज इस दुनिया में कामयाब हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हैं, तो उन लोगों को उस मालिक ने कोई ज़्यादा समय नहीं दिया है। उन्हें भी उतना ही वक्त मिला है जितना आपको मिलता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का है। जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही फल भी मिलता है। लोगों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में आप अपनी पहचान को ही मत खो देना, क्योंकि इंसान क्यों जीवन में बार बार हारता है, क्योंकि उसे खुद से ज़्यादा लोगों की परवाह है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, वो लोगों की परवाह नहीं करता है। और जब किसी इंसान का अपमान होता है, उसकी निंदा होती है, तो उसे इस बात को मान लेना चाहिए कि लोग उससे ईर्ष्या क्यों करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। अब लोगों को ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। और निंदा करने वाले का तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे पापों को धो देता है। तो जो भी हो रहा है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है। जब बुरा समय आता है तो वो हमें अपनी और पराए की पहचान कराता है। तो इसलिए जीवन किसी भी दिन से निराश ना हो। अगर अच्छा दिन है तो वो आपको खुशियाँ देकर जाता है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो आपको सबक और सीख देकर जाता है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक बार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिससे जो इंसान सुख में हो वो दुखी हो जाए और जो दुख में हो वो सुखी हो जाए। तो अर्जुन ने लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो मेरे बच्चे, आप चिंता मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और ये वक्त कब और कैसे गुजर जाएगा, इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा।
और बहुत जल्द अच्छा समय आपके जीवन में ज़रूर लौट कर आएगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव।